हाय नमस्ते। चलिए बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचाओ सूप घर पर। इसे हम होटल जैसे ही सर्व करेंगे मंचूरियन सेव के साथ। चलिए सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। डालेंगे अदरक, हरी मिर्च। तेल हमें कम यूज़ करना है वरना सूप पर वो ऊपर बहुत तैरता हुआ दिखता है। अब फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स डालेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है कैबेज, कैप्सिकम, फ्रेंच बीन्स और गाजर। 2 मिनट के लिए हम स्टर फ्राई करेंगे वेजिटेबल्स को। अब डालेंगे 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे विनेगर। अब सॉसेस के साथ वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। अब डालेंगे 5 से 6 कप पानी। अब सूप को हमें बॉईल होने देना है। अच्छे से इसे मिक्स करके बॉईल करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे व्हीट फ्लार की स्लरी, 2 चम्मच गेहूं का आटा और आधी कटोरी जितना पानी। मिक्स कर ले और इसे इस सूप में डालें। स्लरी डालते ही कलर चेंज हो गया है तो फिर से हम थोड़ा सोया सॉस डालेंगे। मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सोया सॉस डालेंगे। इसमें मैंने टोटल 4 से 5 चम्मच सोया सॉस डाला है 5 से 6 कप सूप के लिए। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉईल करके हमारा सूप रेडी हो जाएगा। गार्निश करेंगे धनिया पत्ता के साथ और इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म। आप चाहे तो व्हीट स्लरी के जगह पर कॉर्नफ्लावर की स्लरी यूज़ कर सकते हैं, पर टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता। समझता भी नहीं है कि इसमें कौन सा फ्लावर है। 5 मिनट के लिए सूप को बॉईल होने देंगे और सर्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब। बाय बाय।